सब ध्यान से सुनो, अपनी नजर तेज रखना। ये देखो, इधर आओ। हम अभी भी इसी पहाड़ी पर हैं और यहाँ पहुंचने में एक दिन लग जाएगा। सांप, 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 सांप। रुक जाओ वहीं पे। इतने छोटे जू से डर गई? इतने छोटे से? हाँ, बहुत अच्छा स्वाद था। अब भी डरोगे? सांप क्यों सूंघ गया? हिलना मत। रुक जाओ, पीछे रहो, सब लोग पीछे रहो, पीछे रहो, पीछे रहो, सब लोग पीछे रहो। इधर से, इधर से, उधर, उधर से। अरे ये गए, उधर देखो। सब लोग फैल जाओ। मुझे छोड़ दे, अरे मुझे मत, अरे छोड़ दे मुझे।
छोड़ो मुझे, बचाओ। अरे बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। रुक जाओ, ध्यान से। लीडर, लीडर जल्दी आइए। ये सांप के अंडे हैं। ऐसे सांप बड़ी मुश्तैदी से अपने अंडों की रक्षा करते हैं। ये मुमकिन है कि वो बड़ा सांप इन्हीं की रखवाली कर रहा था। तुम और तुम जाकर देखो। जी सर। बचाओ, बचाओ, बचाओ!
बचाओ। कोलंबिया में तलाश किए गए जीवों के एनालिसिस से पता चलता है कि सेलरोन टाइटोनोवा अब तक का सबसे बड़ा नाग है। इसकी औसत लंबाई 15.24 मीटर तक होती है और इसका वजन 1 टन तक हो सकता है। ये आसानी से एक मगरमच्छ का शिकार कर सकता है। कहा जाए तो ये एक खतरनाक शिकारी है जिसका अब अस्तित्व नहीं है। अगर कभी इससे आप बच्चों का सामना हुआ तो ये आपके टुकड़े टुकड़े कर सकता है। अभी तक के इतिहास में इस अजीब राज के बारे में मैंने इस किताब में कुछ लिखा है जिसमें इसकी पूरी जानकारी है। अगर किसी को ये किताब लेनी है तो वो मुझसे ले सकता है। इस चूहे और सांप को देखो, ये एक फूड चेन है। बच्चों, इसमें रोने जैसा कुछ नहीं है। निकल जाओ यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना बेवकूफ कहीं के। निकल जाओ, निकल। प्लीज मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। बेबी, बेबी, डैडी, आज अच्छे से पेश आई। हाँ बेबी, आज अच्छे से पेश आई, अपनी दवा टाइम पर ली, 3 लाल गोली 2 सफेद गोली और ये एक टॉफी भी। माफ करना, ये घर क्या मिस्टर लिन क्विक का है? जी हाँ है। आप लोग कौन? मिस्टर लिन, घर ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई। ओ, ये वांग हॉन्ग ग्रुप के सीईओ है मिस्टर क्विटेन। आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? क्या हम आइए। ये जगह काफी छोटी है पर आप आराम से बैठ जाइए। आप कुछ पीना पसंद करेंगे? जरूर। मिस्टर लिन, तुम एक प्राइमरी स्कूल में बायोलॉजी टीचर होने का दिखावा करते हो पर तुम असल में सेब का जूस या खीरे का जूस? खीरे का। ओ मिस्टर लिन, तुम एक प्राइमरी स्कूल में बायोलॉजी टीचर होने का दिखावा करते हो पर तुम असल में तरबूज का जूस कैसा रहेगा? नहीं, खीरे का ही चलेगा। ओके। शुक्रिया। मिस्टर लिन, तुम एक प्राइमरी स्कूल में बायोलॉजी टीचर होने का दिखावा करते हो पर असल में तुम्हें बायोलॉजी में महारत हासिल है। आज मैं तुमसे आज मैं खास तुम्हारे लिए आया हूँ। मुझे ये भी पता है कि मिस्टर लिन की तुम प्रागैतिहासिक जीवन पर लिखते भी हो। ये बस बच्चों के पढ़ने के लिए मैंने खास लिखी थी, इसे पब्लिश कराने के पैसे भी मैंने अपनी जेब से भरे। मुझे इसके कंटेंट में काफी दिलचस्पी है। मुझे यकीन है लिन, तुम्हें 13 नंबर चैप्टर जरूर याद होगा, जीवन का फल, केंकड़े के खूनी आंसू। मिस्टर लिन, क्या हम तुमसे बात कर सकते हैं?
ये दोनों मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है। बायोलॉजी के फील्ड में ये एक मजाक है। जीवन का फल, खुशी आंसू का केकड़ा, पहली बार 1769 में खोजा गया। फल में मौजूद क्रोमियम एलिमेंट कैंसर सेल को अलग होने से रोक सकता है। क्लार्क थ्योरी। 6 साल पहले मिस्टर क्विटेंग ने कैंसर पर एक रिसर्च कमेटी की स्थापना की और खूनी आंसू के केकड़े पर जानकारी के लिए एक बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट शुरू किया, कोड नेम प्रोजेक्ट पुनर्जन्म। आपकी किताब में आपके अनुमान के आधार पर हमारी वैज्ञानिक टीम ने जियोलॉजिक एक्सप्लोरेशन के दौरान एक नो मेंशन आइलैंड का खोज किया जहां फल मौजूद हो सकते हैं। मिस्टर टेंग ने उस आइलैंड का नाम दिया है पुनर्जन्म आइलैंड। पर फिर भी केकड़े के खूनी आंसू मेरी अपनी खोज है। WWII के दौरान एक जापानी सोल्जर रहस्यमय रूप से गायब हो गया। जब लोगों ने उसे दोबारा खोजा उसकी उम्र 126 साल थी। छोड़ दो मुझे, जाने दो। पिछले हफ्ते एक बाहरी इलाके में मौजूद एनर्जी डिटेक्टर पर अचानक ज्यादा क्रोमियम बढ़ने की खबर मिली। ये खूनी आंसू केकड़े द्वारा फल देने का संकेत। हमें सही आदमी मिल गया है मिस्टर लिन। हम उस आइलैंड पर जा रहे हैं और तुम हमारे साथ आना चाहोगे? मिस्टर टैंग ने पहले ही तुम्हारी बेटी के लिए बेस्ट हॉस्पिटल अरेंज कर दिया है। ये रहा तुम्हारा एडवांस। आप चाहते क्या है मुझसे? तुम हमें लीड करोगे। जोर लगाओ सर, चलो। चलो दम लगाओ भाई, बहुत बढ़िया। चलो दम लगाओ ऐसे, चलो दम लगाओ, बहुत बढ़िया, और जोर लगा। आए मिस्टर लिन जी, ये हमारे स्कूट कप्तान है। हेलो। मिस्टर क्विटेंग को एसोफेजियल कैंसर है। हमने हर तरह की तकनीक को अजमाया है लेकिन कैंसर सेल बढ़ते जा रहे हैं। अब दकियानूसी इलाज का सहारा लेना ही बचा है। मिस्टर लिन, तुम उम्मीद की आखिरी किरण हो। आपका मतलब वो खूनी केकड़े का आंसू? लॉरेन, शुक्रिया। उनकी हालत बिगड़ती जा रही है और उन्हें आराम की जरूरत है। मैं तुम्हारी पहचान कर रहा था, मिस लॉरेन, कैंसर सेल वर्ल्ड रिसर्च कमेटी की मेंबर। ये प्रागैतिहासिक जीवन के विशेष कोश के लेखक हैं, मिस्टर लिन कुई। हेलो। तुमने देखा नहीं? कोई नहीं, एक औरत का ऐसे पेश आना कोई नई बात नहीं है। मैं खुद अपना इंट्रो दे देता हूँ। मैं एक्सप्लोरेशन में जियोलॉजिकल एक्सपर्ट हूँ, CK। तुम चाहो तो मुझे स्मार्टी बुला सकते हो। हे मोटे, ये पकड़। ले ले। हेलो मोटे, मैं लिन कोई हूँ। बोलो, मुझे प्यार से मोटू बुलाते। अच्छा।
हम पहले मिले हैं। मैं तुम्हारे एक्स फ्रेंड जैसा दिखता हूँ? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो मैंने तुम्हें नाराज कर दिया क्या? मुझे समझ में नहीं आता लिनकुई, तुमने अपनी भाईयात किताब में केकड़े का जिक्र करके पुनर्जन्म नाम से इस प्रोजेक्ट को शुरू किया और लोगों की जान जोखिम में डाली। खूनी आंसू केकड़े में क्रोमियम के एलिमेंट में एक्टिव अवरोधक एंजाइम होते हैं जो खराब कोशिकाओं को मार देंगे। जब तक पूरी पृथ्वी का खनन नहीं किया जाएगा तब तक क्रोमियम हासिल करना नामुमकिन है। सिर्फ एक ही चीज इसमें मददगार है, वो है मेडिकल साइंस, ना कि अंधविश्वास। जैसा कि मैंने भविष्यवाणी की थी। घने कोहरे की दीवार से गुजरने के बाद हम यहां होंगे। वसंत और मानसून के मौसम में सामने आने से पहले हाई प्रेशर के बैक फ्लो के प्रभाव से बड़े क्षेत्रों पर घना कोहरा बनता है। अपनी जिंदगी में मैंने पहली बार इतना घना कोहरा देखा है। सही कहा तुमने मेरे भाई, इसी को एडवेंचर कहते हैं। ये क्या हो रहा है भाई? यहां तो बड़ा ही अजीब लग रहा है। डॉक्टर डॉक्टर जल्दी आओ। क्या हुआ? ये आवाज कैसी है? अरे ये आवाज कैसी है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पे? ओह नहीं, ये उड़ने वाली चॉम्फिश है। सब लोग नीचे झुक जाओ, नीचे झुक जाओ, अपनी जान बचाओ। झुक जाओ, झुक जाओ, नीचे झुक जाओ, झुक जाओ, झुक जाओ, झुक जाओ, झुक जाओ।
केविन के अंदर चलो, सबके सब केविन में जाओ, अंदर चले जाओ, केविन में जाओ, जाओ जाओ चलो, सब लोग अपनी अपनी जान बचाओ, चलो चलो जल्दी केविन में। ओ नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, हिलो मत, अबे तू अंधा हो गया क्या यार? क्यों मारा? हे भगवान, बैंड बजा दिए लोगों ने तो मेरी। अब कुछ आराम हुआ? हिलना मत, ये दो मुझे। ये क्या कर रहे हो तुम? ये मछलियां खून के गंध से आकर्षित होती हैं, ये तुम्हारे टुकड़े कर देंगी। उठो चलो। कोई मेरी मदद करो। मैं करूंगा तुम्हारी मदद आराम से। बहुत बढ़िया, अच्छा किया। ये मछलियां वापस तो नहीं कटेगी? शांत हो जाओ, पानी से बाहर आने के बाद ज्यादा वक्त जिंदा नहीं रहती हैं ये। अजीब है। मुझे भी अजीब लग रहा है, मैंने उड़ने वाली मछली पहले कभी नहीं देखी। सिर्फ उड़ने वाली मछलियां हमला करती हैं स्पाउनिंग सीजन के दौरान या जब उन्हें चौंका दिया जाए, पर ये स्पाउनिंग सीजन नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो कि इन राक्षसों को भी कोई चौंकाने वाला है?
शांत रहो। कप्तान कहाँ है? कप्तान आया आया। हुजूर, तुमने जहाज क्यों रोका? हुजूर, इंजन काफी वक्त से चालू था, वापस चलाने में वक्त लगता है। हाँ, यही उम्मीद थी। आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर लिन? इस पानी में थोड़ी मात्रा में क्रोमियम मौजूद है, शायद ये वहां से बहता है। तो हो, खूनी आंसू केकड़े के खिलने और फल लगने में कितना समय लगेगा? पिछले डाटा के हिसाब से इसमें पांच दिन लग जाएंगे। लगभग 2 दिन। अभी हमारा सामना जिस कोहरे की दीवार से हुआ, उससे मौसम बदलेगा। खूनी आंसू केकड़ा समय से पहले फल देगा। मिस्टर, कप्तान ने बताया कि जहाज ठीक होने में कम से कम 3 दिन लगेगा। ये देखो सर, ये लेटेस्ट मैप है जो मैंने अभी अभी बनाया है। हम अभी यहाँ हैं। खूनी केकड़ा हमें यहां मिलेगा। देखो, हमें यहां कुछ लोगों को छोड़कर अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। फल हासिल करने के बाद हम यहां वापस आ जाएंगे। सबसे छोटा रास्ता जंगलों के बीच में से है, अभी हमें निकलना चाहिए। चलो निकलते हैं। नहीं, ये एक अछूत जंगल है जहां करोड़ों साल से किसी ने पैर नहीं रखा है। पता नहीं आगे हम पर कौन सा खतरा आ जाए। हमें नदी की तरफ से जाना चाहिए। खतरा? हम यहां खतरा मूल लेने ही आए हैं। अब तैयार हो जाओ। चल यार। हाय, क्या कर रही हो? मुझे फोटो लेना काफी पसंद है। आप यहाँ क्या लिख रहे हैं? अपनी बेटी के लिए। अपनी बेटी के लिए? वाओ, कितनी प्यारी बच्ची है। अब वो तुम्हारी उम्र की है। हाँ? मैं अच्छा पिता नहीं। ए, हुगा बुगा, जरा देखो तो। कुछ भी तोड़ फोड़ की तो भरपाई तुमको करनी पड़ेगी। फिर से मैं तुम्हें अब माफ नहीं करूंगा। इसलिए इसकी बेटी और बीवी ने इसे छोड़ दिया।
हुगा 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 तेरी तो इसके तो ये भी ना फिर से क्या हुआ हुगा 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 देखते हैं पता नहीं क्या है पर ये फल कैसा होगा। छूना मत। ठीक है कितना बड़ा फल है सबसे अलग। छूना मत। ये एक प्रागैतिहासिक विस्फोटक फल है। हाँ? इसे जंगल में एक छोटा परमाणु बम भी कहा जाता है। ऐसे फल पकने के बाद फट जाते हैं। ये एक ज़ेब्रा को मारने के लिए काफी है। नाश बड़ा ही डरावना है। अच्छा हुआ मैंने नहीं खाया नहीं तो मैं तो फट ही जाता। ऐसे फल ज्यादातर क्लस्टर में उगते हैं पर यहाँ ये थोड़े ही हैं। इसका मतलब इसके बीच कोई जानवर यहाँ लेकर आया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलो चले यहाँ से ये रास्ता बड़ा डरावना है। देखो इस रास्ते से नीचे जाना होगा। इस रास्ते से सब ध्यान से सुनो अपनी नजर तेज रखना। ए
ये देखो इधर आओ, हम अभी भी इसी पहाड़ी पर हैं और यहाँ पहुँचने में एक दिन लग जाएगा। रुक जाओ वहीं पर। इतने छोटे जीव से डर गई, इतने छोटे से हाँ? बहुत अच्छा स्वाद था। अब भी डरोगे? सांप क्यों सूंघ गया? हिलना मत। जाओ पीछे रहो, सब लोग पीछे रहो, पीछे रहो, पीछे रहो, सब लोग पीछे रहो। इधर से, इधर से, उधर, उधर से। अरे ये गए, उधर देखो। सब लोग फैल जाओ।
रुक जाओ, ध्यान से। लीडर, लीडर जल्दी आइए। ये सांप के अंडे हैं। ऐसे सांप बड़ी मुश्तैदी से अपने अंडों की रक्षा करते हैं। ये मुमकिन है कि वो बड़ा सांप इन्हीं की रखवाली कर रहा था। सीना, सीधा रखो, हिलो मत। तुम एक प्रोफेशनल हो। ये किसने बनाया? मेरी बेटी ने। वो बहुत प्यारी होगी ना? इसलिए मैंने कहा था, तुम लोगों को जिम्मेदारी की परवाह नहीं है। सांपों के बारे में पर्सनल एक्सपीरियंस लेकर तुम मौत के मुंह में कूद पड़े। तुम्हें कुछ हो गया तो उसका क्या होगा? उसका नाम बेबी है।
जब वो पैदा हुई तभी उसकी माँ गुजर गई, बोन कैंसर था। डॉक्टर ने बताया कि उसके कैंसर सेल्स बेबी के शरीर में भी फैल चुके हैं। मैं उसकी माँ को बचा नहीं पाया, पर मैं उसे जरूर बचा कर रहूंगा। मुझे माफ करना। चलो। कहाँ जा रहे हो? सुनो, आओ। वाह, बहुत खूबसूरत है। ये क्रिस्टल जुगनू है। जैविक रिकॉर्ड से ये साबित होता है कि 10,000 साल पहले ये खत्म हो गए थे। मैंने यहाँ इतने सारों की उम्मीद नहीं की थी। ये एक चमत्कार है। वो देखो। चलो निकलते हैं, चलो। क्या हुआ? हल्का होने दोगे या नहीं? चल जा। साला मैं तो पिछवाड़ा साफ करना ही भूल गया। क्या कर रहा है? पाड़ी बिल्ली थी। तेरा आगे क्या क्या प्लान है? कुछ कह नहीं सकता हूँ। यहाँ से जिंदा बचा तो सोचूंगा। यहाँ का चप्पा चप्पा कप्तान अच्छी तरह से जानते हैं। रुको, सबको अलर्ट रहना है, ठीक है? गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। मैं हूं। तुम यहां क्या कर रहे हो? सब मारे गए, सबके सब मारे गए। मेरे सारे साथी मारे गए। सांप, बड़ा सांप। यहां से जल्दी निकलो, नहीं तो सबको मार देगा। शांत, जल्दी चलो। जिस सांप की तुम बात कर रहे हो वो हम में से बहुतों को मार चुका है। नहीं, अभी रास्ते में मैंने कई बड़े जानवरों की लाशें देखी हैं।
मुझे लगता है हमारा कोई और भी पीछा कर रहा है। मुंह बंद रख, जल्दी निकलो। सब मेरी बात सुनो, आगे बढ़ते रहो वरना तुम्हें एक नया पैसा नहीं मिलेगा। चलते हैं। पागल सनकी, तुम सब मरोगे, तुम सब के सब मरोगे, कोई नहीं बचेगा, तुम सब सनकी हो। गुरु क्या कहते हो, क्या करना चाहिए? हाँ सुनो, अभी बोलना खतरनाक है क्या? अपनी अपनी पोजीशन में रहना। खून ही लेता है वो, ज्यादा देर तक हरकत में नहीं रहेंगी। जल्दी जल्दी भागो यहां से। भागो 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 जल्दी, अपनी अपनी जान बचाओ। भागो भागो, अपनी अपनी जान बचाओ। जाओ जल्दी जाओ, भागो। भागो। Oh, my God.
चलो चलो। हमें आगे नहीं जाना चाहिए, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। सुनो, जो यहां रुका उसे एक पैसा नहीं मिलेगा, जो मेरे साथ आगे बढ़ा उसे मैं 3 गुना ज्यादा पैसा दूंगा। तुम पागल हो क्या? रुक जाओ, यहां उड़ने वाली मछलियां हैं, पौधे जो इंसान को निगल लेते हैं, एक बड़े आकार का सांप भी, और हमारी उम्मीद से भी ज्यादा खतरा है। अगर आपको अपनी मंजिल पर सुरक्षित जाना है तो अब से आपको मेरी बात माननी होगी। तो चले गुरुजी। चलो हिलना मत मोटे। इतने सारे पटने वाले फल, अगर ये सारे पट गए तो बड़ा धमाका हो जाएगा। ये उस सांप की कैचुली है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये रास्ता सही नहीं है। ये उस सांप के रेंग कर जाने से खाई जैसा बना है। आप मजाक कर रहे हैं ना गुरुजी, यहां इतना बड़ा सांप कैसे हो सकता है? वो कोई ड्रैगन भी तो हो सकता है। क्या उसी ने इस भालू को भी मारा होगा? हमें यहां से निकलना होगा, चलो किसी और रास्ते से चलते हैं। उस तरफ से रुको। देखो मैंने खूनी केकड़ों को ढूंढ निकाला। इस पहाड़ के उस पार।
ये एयर वाइब्रेशन का साउंड है जो क्रोमियम की हाई डेंसिटी की वजह से होती है। ये उस खूनी केकड़े के संकेत है, जल्द ही वो फल देने वाला है। हम समय से आगे जा रहे हैं, चलो ये पहाड़ पार करते हैं। चलो लेकर आते हैं, जाओ उसे लेकर आओ। तबाह मत करो, फायरिंग बंद करो, रुको, बंद करो, भागो यहां से। शुरू से इसी के ही शिकार थे। रुक जाओ, जाओ उसे लेकर आओ। मेरा ये आखिरी मौका है, मदद करो। हाँ चलो, oh!
लिन कोई शिट लिन कोई ये मुझे दे दो, लाओ दो मुझे, दो मुझे, मैंने कहा दो, जल्दी दो। खूनी फल चलो 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 हाँ चलो हाँ चलो चलो हाँ हाँ चलो हाँ हाँ चलो चलो भागो चलो चलो भागो चलो भागो आओ जल्दी आओ मदद करो मेरी बचाओ जल्दी मेरी करो उम्री क्या है अभी तक एक गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी है मैं मरना नहीं चाहता बचाओ मुझे बचाओ अरे पीछे देखो पीछे अरे जल्दी करो अरे बचाओ मुझे बचाओ बचाओ मुझे जल्दी बचाओ मैं मरना नहीं चाहता भागो 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 मुझे याद है कि उधर एक पहाड़ है अगर उस पर चढ़ गए तो ये हमारा पीछा नहीं कर पाएगा आखिर इसको इसके पाप का फल मिल गया चलो 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 जल्दी आओ जल्दी आओ चलो तुम दोनों इस तरफ भागो इससे पहले कि तुम्हें देख ले चलो जल्दी करो लिंकू लिंकू ये सुसाइड है
वापस आओ निकुई। आओ आओ जल्दी आओ। तुम लोग कैनियन की तरफ भागो। अगर मैं सांप को भ्रमित नहीं कर सका तो हम सब मारे जाएंगे। जाओ। देखो इधर हूं मैं। लिनकुई 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 कमीने कहीं के तूने मुझे डरा ही दिया था। सांप कहां गया? हम इस मोड़ को क्रॉस करने के बाद सीधे जाएंगे।